सीएम शिवराज सिंह व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे पिछोर। 409 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। लाडली बहना सम्मेलन को किया संबोधित। सीएम बोले, आप प्रीतम लोधी को विधायक बनाओ, मैं पिछोर को जिला बनाऊंगा। सीएम शिवराज व केंद्रीय मंत्री सिंधिया शिवपुरी के पिछोर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इसके बाद नगर के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछोर विधानसभा में 409 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी ई शिलान्यास किया। कार्यक्रम में लंबे समय से पिछोर को जिला बनाने की मांग लोगों द्वारा उठाई जा रही है, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही लोगों से बात करते हुए कहा कि एक वादा आप करो, एक वादा मैं करता हूँ। आप पिछोर से प्रीतम लोधी को विधायक बनाओ, पिछोर को जिला बनाने का काम मैं करूँगा। वहीं कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सुरेश राठखेड़ा, भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी सहित हजारों की संख्या में जनता व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। जिंदगी से कभी भी दूर करके ही चैन की सांस लेंगे, और इसलिए कांग्रेस की सरकारों में जो पैसा हाथ खर्च कर दिया जाता था, उस पैसे को हम बहनों के खाते में डाल रहे हैं। आज मेरे कहने में प्रसन्नता है। 27 तारीख को फिर राखी का त्योहार 30 को आ रहा है। 27 को भोपाल में मैं अपनी बहनों से फिर मिलने वाला हूँ, और 27 को आप सब बहनें भी अपने अपने गाँव में 1 बजे मुझे सुनने जरूर इकट्ठी होना। सब इकट्ठे होंगे कि नहीं? सब इकट्ठे होंगे तो मैं कुछ और चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अभी केपी सिंधिया जी भी कह रहे थे, केपी भी कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया है कि किसान की जमीन सूखी नहीं रहने देंगे। सिंचाई का पानी आए इसके प्रयास हम लगे, इसे संगठना और हमारा संकल्प है आने वाले समय में हर किसान के खेत में पर्याप्त पानी देंगे, चाहे कुछ करना पड़े। एक के बाद एक सिंचाई की योजना हम बनाते चले जाएंगे। सड़कों, बिजलियों, सिंचाई के इंतजाम हो, कांग्रेस ने कभी किया क्या? कांग्रेस ने कभी जनता का शोषण किया? अभी सिंचाई बना हमने नहीं किया। किसान को 0% काट के कर्जा देंगे हमने तय किया। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए और मुझे लगा तू भी तो मुख्यमंत्री है, 4 तू भी दे दे, लेकिन बाद में लगा 6 और 4 10 में मजा नहीं आ रहा, सीधे 1,000 रुपया महीना किसानों का भी हो जाए तो छोटे किसानों की जिंदगी संवर जाए। और इसलिए और जब 6 प्रधानमंत्री जी जाएंगे, 6 मुख्यमंत्री जाएंगे, पहले 2 प्रधानमंत्री जी का आएगा, फिर 2 मुख्यमंत्री का आएगा, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का, फिर 2 मुख्यमंत्री का, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का, और फिर 2 मुख्यमंत्री का। आप कल्पना तो करके देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है। अरे बहनों और भाइयों, कभी आप सुनते थे रूस चंद्रमा पे अपना यान भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अपना चंद्रयान और चंद्रमा पर उतरने वाला है। भारत का झंडा विश्व में भी लहरा रहा है और चंद्रमा पर भी लहराएगा। और इसलिए आप देखिए, किसान गरीब और नौजवान बेटे बेटियों, मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ, आप सम्मान की जिंदगी जिए। इसके लिए कई कदम हमने उठाए, हमने फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर अगर वस्तु मीडिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको हमें छोड़ा बुलडोजर अलग चलेगा। माँ बहनों बेटियों का सम्मान की रक्षा हमारा फर्ज है। और एक बात और, बहनों से भी भाइयों से भी, साफ स्कूल बेटा बेटी की पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहती है। लेकिन अभी मैंने पार्टी में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए उनको मैंने 25,000 रुपया लैपटॉप के लिए दिए। हमने साइकिल से पैसे बच्चों के खाते में डाले, और परसों 23 तारीख को वो बच्चे जिन्होंने अपने गांव के बालिका के स्कूल में
स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी ताकि स्कूटी मर गए हमारे बच्चे कॉलेज जाए। और एक बात और सुनना, मैं कह रहा हूं संकल्प लेके, गरीब हो चाहे किसान हो चाहे आगे लड़का हो, मेरे बहनों और भाइयों, ये बेटे बेटियां मेरे भाग ने भाग दिया है और इसलिए मैं कह दिया है, अगर इनकी मेहनत से इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, देश में हो चाहे विदेश में हो, तो फीस चाहे कितनी भी हो उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बता, कौन भरवाएगा? मैं बच्चों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। और पिछड़ मारो, तुम्हारे जज्बे को देखते हुए मैं फैसला करता हूँ कि पिछड़ को जिला बनाया जाएगा। और सभा के लोग डालते हैं, 1000 डालते हैं,
और 15,000 करोड़ रुपया साल भर में डालने पड़ेंगे। कितने डालने पड़ेंगे? कितने डालने पड़ेंगे? अल्लाह ने कह दिया, अगर बात पूरी होता तो देखो बोलो भारत माता की। अब तो बोलो मैंने देखो ऐसा था, मैंने सबसे पहले इसलिए कहा कि पिछोर को जिला मैं बनाऊंगा, भी पे डिस्टर्ब मत करो नहीं तो मामा बाप उस चला जाएगा। बोलो भारत माता की। अभी में मत बोलना, मेरी बहनों से बात हो जाए तो पूरी भाई कब तक बीच में नहीं बोले। अब तक मैं कह चुका हूं आप वापस करो, ये गलत बात है। बोले भारत माता की। और इसलिए हमने तय किया कि बहनों के खाते में हर महीना 1,000 आएगा, और केवल 1,000 नहीं आगे बढ़ा के इसको 1,250 करूंगा, 1,250 से बढ़ा के फिर 1,500 करूंगा, 1,500 से बढ़ा के फिर 1,750 करूंगा, 1,750 से बढ़ा के फिर 2,000 करूंगा, 2,000 से बढ़ा के फिर 2,250 करूंगा, और 2,250 से बढ़ा के फिर 2,500 करूंगा, और 2,500 से बढ़ा के 2,750 करूंगा, और 2,750 से बढ़ा के कितने करूंगा? 3,000। कितने करूंगा? 3,000। ये 3,000 रुपया करना है मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना। आगे हम जिंदगी भर क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम हमेशा गरीबी में रहने के लिए पैदा हुए हैं?